यह वीडियो साइंस क्लास 9 चैप्टर 7 का नेक्स्ट पार्ट है। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने फाइलम के बारे में पढ़ा है, अलग अलग फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा है, तो अब हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ने वाले हैं और अब हम लोगों को पढ़ना है मोलस्का। तो आपको पहले उन पीछे के वीडियोस को देख लेने चाहिए क्योंकि उनसे आपको बहुत सारा क्लू मिलेगा कि कैसे हम लोगों को इनके सारे जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उसको याद करना है। तो हम लोग यदि मोलस्का में बढ़े तो आप याद करिए कि तीन यहाँ जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वह कॉमन होंगे मोलस्का के लिए। सबसे पहला क्या होगा, इसका बॉडी क्या होगा, बायलेटरल सिमेट्रिकल होगा। दूसरा क्या होगा, इसमें सिलोम प्रेजेंट होगा, मतलब ये सिलोमेट एनिमल होंगे। और तीसरा ये क्या होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होंगे। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक मोलस्का तक हम लोगों को वैसे ही याद करके रखना है। तो चलिए यहाँ देखेंगे मोलस्का में और क्या क्या हम लोग कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं। इन द एनिमल्स ऑफ दिस ग्रुप देयर इज बायलेटरल सिमेट्री। तो यहाँ भी हम लोगों ने वही पढ़ लिया कि बायलेटरल सिमेट्री है। तो तीन पॉइंट्स जो मैंने बताया है उसे डायरेक्ट तीन पॉइंट आपको यहाँ पर लिख देना है। द सिलोमिक कैविटी इज रिड्यूस्ड, तो यहाँ पर सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट होगा लेकिन क्या होगा, रिड्यूस्ड। देयर इज लिटिल सेगमेंटेशन, इसमें सेगमेंटेशन क्या है, थोड़ा बहुत होता है। तो यही आपका आ गया चौथा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में आप क्या लिखेंगे कि इसके बॉडी में सेगमेंटेशन क्या होता है, बहुत कम होता है। दे हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड किडनी लाइक ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन। तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि एक्सक्रीशन क्या है, तो बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल हम लोग बाहर निकालते हैं, बॉडी से बहुत सारे हार्मफुल वेस्ट मटेरियल उनको जो बाहर निकालने की प्रक्रिया होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। जैसे कि मनुष्य लोग यूरिन के थ्रू हमारे शरीर में जो बहुत हार्मफुल केमिकल होते हैं उनको हम लोग यूरिन के थ्रू बाहर निकालते हैं। तो बेसिकली ये कैसे होता है, मनुष्य में ये होता है आपका किडनी के थ्रू। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मोलस्का में भी किडनी लाइक ऑर्गन्स रहेंगे जो कि इस कार्य को करेंगे। साथ ही साथ इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा वह भी क्या होगा, ओपन होगा। तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि अभी हम लोग धीरे धीरे हायर ग्रुप्स में आ रहे हैं तो यहाँ पर ऑर्गन मिलेगा। जैसे कि हम लोगों ने आर्थ्रोपोडा में पढ़ा था कि वहाँ भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम था और ठीक इसी प्रकार यहाँ भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है। तो इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें क्या होता है, देयर इज अ फुट दैट इज यूज्ड फॉर मूविंग अराउंड। इसमें फुट होगा जो कि इसको मूव करने में मदद करेगा। एग्जांपल आप देख सकते हैं, स्नेल्स हैं, मसल्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल यहां पर दिए गए हैं। और एक बहुत खास एग्जांपल आपका क्या है, ऑक्टोपस, यूनियो, जिसको आपको याद करके रखना है, चीटोन है, पाइला है। तो पाइला आप देख सकते हैं यहाँ पर, यह सेव की आकृति का है, एप्पल स्नेल कहते हैं। यूनियो आप देख सकते हैं ऐसा है। ऑक्टोपस के बारे में आपने बहुत सारा वीडियोस देखा है, पढ़ रखा है। तो आपको करना क्या है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं। यदि आपने एग्जांपल को याद नहीं रखा है तो आपको एग्जाम में, जैसे कि आगे वाले उदाहरण में बताने वाला हूँ, आगे वाला जो फाइलम है उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जामिनेशन में। किस चीज़ से पूछा जा रहा है, तो फिर यही एग्जाम्पल से पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि मोलस्का में हम लोगों ने क्या क्या देखा। देखिए चार पांच पॉइंट हम लोगों ने देखा। सबसे पहले बॉडी क्या होगा, बायलेटरल सिमेट्री होगा उसमें। दूसरा क्या होगा, इसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे सिलोम प्रेजेंट होगा, मतलब ये सिलोमेट एनिमल है। तीसरा क्या होगा, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होगा। चौथा, इसमें ऑर्गन के बारे में दो लाइन लिखा हुआ है कि इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा और किडनी लाइक एक्सक्रीशन के लिए ऑर्गन पाया जाएगा। इसके बाद एक और पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि इसमें को मूव करने के लिए इसमें फूट पाए जाते हैं। बॉडी में बहुत थोड़ा सेगमेंटेशन होता है। तो बस चार पाँच पॉइंट बच्चे की तरह आपको पढ़ना है, कुछ खास चीज़ नहीं पढ़ना है। लेकिन आपको जो मैं मेन चीज़ बता रहा हूँ वह यह है कि इसका उदाहरण याद रखना है। ये देखिए, ये है इकाइनोडर्माटा। तो इकाइनोडर्माटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने जो भी पढ़ा था वो बाइलेटरल सिमेट्री था, याद करिए। लेकिन यहाँ पर अब हम लोग पढ़ेंगे रेडियल सिमेट्री। तो अब रेडियल सिमेट्री नया आ गया। तो रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल क्या होता है, इसके लिए मैंने जो वीडियो बनाया आप उसको देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि रेडियल सिमेट्री क्या है। इकाइनोडर्माटा मैंने आपको याद कराया था, इकाइनस मतलब होता है कांटा, तो इसका जो बॉडी होता है ये कांटेदार होता है। और यही मैंने आपको याद कराया था एक आईना के द्वारा, याद करिएगा कि आईना जो था उससे हम लोगों ने एक आईना याद किया था। इन ग्रीक इकाइनस मीन्स हेजहॉग एंड डर्मा मीन्स स्किन। तो हेजहॉग एक ऑर्गेनिज्म है, आपने शायद देखा होगा या नहीं देखा होगा। और डर्मा मीनिंग क्या होता है, स्किन होता है। तो डर्मा डर्मिस ये मीनिंग होता है स्किन के लिए। तो आप बोलेंगे कि ये तो मैंने नहीं सुना है, तो आपने जरूर सुना है। आपने डर्मिकुल पाउडर का नाम सुना है, डर्मिकुल। तो डर्मी वर्ड क्या आ गया, त्वचा के लिए, और कुल क्या हो गया, ठंडा। तो ये डर्मी जो कुल पाउडर है उसमें जो वर्ड आता है डर्मिकुल, तो डर्मी को कूल कर देगा, माने त्वचा को क्या करेगा, कूल कर देगा। उसी से आया है उसी से आप याद कर सकते हैं वर्ड डर्मिस।
तो यहाँ डर्मिस मतलब क्या हो गया, त्वचा, और हेजहॉग मतलब उसका जो कांटेदार त्वचा होता है, मतलब काटा काटा निकला रहता है, उसी से ये हमारा वर्ड बना है। तो इकाइनो डर्माटा, इकाइनस प्लस डर्मा, इकाइनस मतलब हो गया कांटेदार और डर्मा मतलब क्या हो गया आपका स्किन। तो स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिज्म, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिज्म। तो मैंने आपको बोला है कि कई प्रकार से यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मान लीजिए कि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिजम्स कौन से ग्रुप हैं, कौन सा फाइलम है, तो आपको क्या नाम देना पड़ेगा, इकाइनोडर्माटा। यदि आपको पूछा जाए कि स्यूडोसिलोम वाले ऑर्गेनिज्म कौन है, कौन सा फाइलम है, तो क्या आप बता सकते हैं, मैंने आपको पीछे पढ़ाया है, यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में उसको बताइए, और नहीं तो आप उसको याद करिए कि कौन सा फाइलम है जो कि स्यूडोसिलोमेट है। इसके बाद कौन सा ऐसा फाइलम है जो ज्वाइंटेड लेग्स वाला है, ये आपको क्या पता है, तो यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में इसको लिखिए। ये सब मैंने पीछे पढ़ाया है, मैं कुछ कुछ प्रश्न करते रहता हूँ जिससे कि पता चले कि आप यूं ही पढ़ रहे हैं या फिर टाइम पास करते हैं यूट्यूब पर आके। देयर आर एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मरीन एनिमल्स, दीज आर एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मरीन एनिमल्स। तो ये क्या है, फ्री लिविंग एनिमल्स होते हैं मतलब पैरासाइट नहीं होते हैं, और दूसरा क्या होते हैं, ये मरीन होते हैं मतलब कि ये समुद्र में पाए जाते हैं। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड हैव सिलोमिक कैविटी, तो ये मैंने पढ़ा दिया कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं। अब यहाँ सिमेट्रिकल, बायलेटरल सिमेट्रिकल पढ़ रहे थे, यहाँ पर रेडियल सिमेट्री हम लोग को यूज करना है, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख सकते हैं। दीज दे आर क्या है बताइए, ट्रिप्लोब्लास्टिक है और सिलोमेट एनिमल है, तो वही जो तीन हम लोगों ने बार बार लिखा था उसमें ये दो आ गया। दे ऑल्सो है पिक्यूलियर वाटर ड्राइविंग ट्यूब सिस्टम दैट दे यूज फॉर मूविंग अराउंड, तो इसमें खास पिक्यूलर है कैरेक्टरिस्टिक जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ। दे हैव हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर दैट दे यूज एज अ स्केलेटन, एग्जाम्पल्स यहाँ दिया गया है। तो वही जो तीन मैं बता रहा था, यहाँ पर रेडियल सिमेट्री होता है, ये आपको याद रखना है। अब चलिए इसका एक पिक्यूलियर क्वालिटी, बहुत जिसको हम लोग बोलेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक है, पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसमें वाटर ड्राइविन ट्यूब सिस्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वाटर ड्राइविन ट्यूब सिस्टम, जो कि क्या करता है, इसको मूव करने में मदद करता है। तो वाटर ड्राइविन ट्यूब सिस्टम यहाँ पर तो दिखाना संभव नहीं है, तो ये देख सकते हैं जैसे कि ये स्टारफिश है, तो इसका चित्र तो यहाँ पर मैंने नहीं दिखाया वाटर ड्राइविंग ट्यूब सिस्टम का, तो सिर्फ मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि इसमें एक पिक्यूलियर वाटर ड्राइवर मतलब पानी इसके बॉडी में आ सकता है और उसके द्वारा ये मूवमेंट कर सकता है, ऐसा ट्यूब सिस्टम उसके पूरे बॉडी में फैला होता है। तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पूरे बॉडी में फैला हुआ, जो कि किसके द्वारा रेगुलेट किया जाएगा, वाटर के द्वारा, और उससे ये क्या करता है, चलता है। तो यहाँ पर ये किसका पिक्यूलियर क्वालिटी हो गया, ये आप स्पेशली लिख दें जब भी इकाइनोडर्माटा आपको लिखना है एग्जामिनेशन में। दे हैव हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर्स दैट दे यूज एज स्केलेटन, और इसके बॉडी पर क्या होगा, हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट का एक स्केलेटन लगा रहेगा। तो यहाँ तक हो गया आपका इकाइनो डर्माटा, तो इसका चार पांच कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ में आ गया होगा। तीन में जो हम लोगों ने पढ़ा था बायलेटरल सिमेट्री, उसमें आपको पढ़ कर देना है रेडियल सिमेट्री, फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया, सिलोमेट हो गया, मरीन हो गया, फ्री लिविंग हो गया। इसके बाद एक दो में यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट रख देंगे कि इसमें वाटर ड्राइविंग ट्यूब सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो यदि आपको अलग से भी क्वेश्चन आया कि वाटर ड्राइविंग ट्यूब सिस्टम किसमें प्रेजेंट होता है, तो आपका आंसर क्या करना है, इकाइनो डर्माटा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट होता है, यदि एनसीईआरटी स्किप कर दिया तो बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपको छूट जाएंगे। तो मैं आपको दो तीन साल पहले के क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसमें ये चार क्वेश्चन आए थे। इसमें चार क्वेश्चन में क्या किया गया था कि पूछा गया था कि फेदर स्टार किसका नाम है, सी ककंबर किसका नाम है, और फिर आपका सी अर्चिन किसका नाम है, और स्टारफिश किसका नाम है, और देख सकते हैं आप बगल में सब नाम दिया गया है। तो स्टारफिश किसका नाम है, एस्टेरियस का, फिर आपका सी अर्चिन किसका नाम है, इकाइनस, और फिर होलोथुरिया किसका है, स्वी कुकुम्बर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटीडॉन किसका नाम है, फेदर स्टार का। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये नाम आया था आपके एग्जामिनेशन में, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। और साथ ही यह भी पूछा गया था कि ये किस फाइलम के हैं, तो ये किस फाइलम के हैं बताइए आप, ये है इकाइनो डर्माटा के। इसके बाद आता है आपका प्रोटोकॉर्डेटा, और फिर हम लोग को पढ़ना है आगे का वर्टिब्राटा, कॉर्डेटा, वर्टिब्राटा, ये सारा चीज़ पढ़ना है। तो
तो हम लोग अभी इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी क्वेश्चन मैंने पूछा उसको आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर कर सकते हैं। धन्यवाद।